नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरहा बाबा। सहज सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद को एक योगी सिद्ध महापुरुष और संत पुरुष ने अपने नाम से ख्याति दिलाई। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे देवरहा बाबा। देवरिया के प्रसिद्ध देवरहा बाबा। देवरिया में रहने के कारण इनका नाम परा देव रहा। जिनके चरणों में सर झुका चुके हैं देश के बड़े बड़े दिग्गज। बाबा देवीय शक्तियों से थे संपन्न। पूज्य महर्षि पातंजलि के अष्टांग योग में थे पारंगत। बाबा को सिद्ध संत भी कहा जाता था। बाबा को प्लविनी सिद्धि थी प्राप्त। भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में आप जानकर चकित रह जाएंगे। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरहा बाबा, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्यात्मा या जो भी आपके मन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वो सभी शब्द आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि योग में जो शक्तियां हैं उनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आपको देवरहा बाबा के रूप में मिल जाता है। देवरहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवरहा बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातें जान लेते हैं। इसे आप चमत्कार कहें या फिर उनकी साधना शक्ति। दरअसल देवरिया जनपद के मैल गांव में देवरहा बाबा का सुप्रसिद्ध विख्यात मंदिर है, या ऐसा कह सकते हैं कि देवरहा बाबा के नाम पर ही देवरिया जनपद का नाम पड़ा है। देवरहा बाबा को आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। मान्यता है कि देवरहा बाबा 200 से लेकर 900 सालों तक जीवित रहे। ये अनुमान कोई नहीं लगा पाया है। देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती है। मान्यता है कि बाबा जल पर भी चलते थे। किसी भी जगह पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सवारी नहीं की। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। मान्यता ये भी है कि बाबा भक्तों की मन की बात बिना पूछे ही जान लेते थे। बाबा 10 मीटर ऊंचाई मचान पर बैठकर लोगों को अपना आशीर्वाद बनाते थे। और तो और, बाबा के दर्शन के लिए 1911 में जॉर्ज पंचम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालविया, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी भी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। कहते हैं कि वो भी देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। देवरहा बाबा हमेशा निर्वस्त रहते हुए मृग झाला पहनते थे, चाहे ठंडी हो या गर्मी। बाबा ना ही कभी धरती पर लेटे हैं, हमेशा एक लकड़ी के मचान में रहते थे जो धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर होता था, और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे।
बाबा का प्रसाद देने का तरीका बहुत ही अचंभित कर देने वाला होता था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करता तो बाबा अपने मचान पर बैठे बैठे ही मचान की खाली जगह पर हाथ रख देते थे, तो कुछ देर बाद बाबा की मुट्ठी में मिठाई, फल या मेवा आदि अपने आप ही आ जाया करते थे, जिसे बाबा अपने भक्तों में बांट दिया करते थे। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे और अंत समय तक वही निवासरत रहे। भक्त बताते हैं कि सन 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए कि दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि एक महान योगी और तपस्वी इस मृत्यु लोक से विदा लेकर अपने परमात्मा में लीन हो जाए। और उसी समय योगीराज परमहंस देवराहा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा ने भले ही अपने शरीर का त्याग कर दिया हो, परंतु ये ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं, जो कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते हैं। वो अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके जल समाधि लेने के बाद भी कई भक्तों को बाबा की अनुभूति हुई है। बाबा अपने भक्तों की इच्छा सदैव पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमने आपको बताया देवराहा बाबा के बारे में, जो कि देवरिया के रहने वाले थे, जिनके पास अपार ज्ञान और अपार शक्तियां भी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।